T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल टू मुकाबला इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निमंत्रण भारतीय टीम को दिया। मुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब रही। टीम के उपकप्तान केएल राहुल मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। इसके बाद भारतीय टीम के लिए विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे। रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम की साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए और स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे बढ़ाते हुए नजर आए। हालांकि भारतीय टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली 50 रन की साझेदारी करते हुए उससे पहले ही रोहित शर्मा भी 27 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। हालांकि भारत को उम्मीदें सूर्य कुमार यादव से थी। लगा कि सूर्य कुमार यादव जो कि इस साल और साथ ही T20 वर्ल्ड कप में लगातार रन बना रहे हैं, वो एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। सूर्य कुमार ने आते ही धीमी बल्लेबाजी की। हालांकि बीच में उनके बल्ले से एक शानदार छक्का और एक चौका देखने को मिला। लगा कि अब शायद 360 सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से अपने रंग में लौटेंगे। लेकिन इन सभी के बीच सूर्य कुमार यादव पिच पर क्रीज पर अपने पैर जमा पाते उससे पहले ही आदिल रशीद ने सूर्य कुमार यादव को अपना शिकार बनाया। फिल शॉट जो कि प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं, उन्होंने सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ा। आदिल रशीद को सूर्य कुमार यादव का विकेट मिला और सूर्या अपनी पारी के दौरान मात्र 10 गेंदों में 14 रन बना सके। हालांकि इस दौरान उन्होंने एक चौका एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन टीम इंडिया को जो उम्मीदें सूर्य कुमार यादव से थी वह पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होते उन उम्मीदों पर नजर आए। सूर्या ने कहीं ना कहीं भारतीय फैंस को भी इस छोटी सी पारी से निराश कर दिया। जो कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।